इस क्वेश्चन में ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं ऑर्डर 2 के, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमसे पूछा है। तो मैट्रिसेस में जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, आपने शीट में नोट करी होंगी, उसमें स्पेशली इस चीज को ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंपल एलजेब्रा की तरह नहीं कर सकते ना। मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है ए बी और बी ए, इन दोनों का इक्वल होना जरूरी नहीं है, इसको हमको ध्यान रखना है। तो जब ए प्लस बी होल स्क्वायर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले इसको हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस तरह से लिखें, ठीक है ना। उसके बाद अगली स्टेप में पहले यहां पे ए लिखा है तो इसको हम लिखेंगे ए इंटू ए प्लस बी, फिर बी लिखा है तो प्लस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ऑर्डर बहुत मैटर करता है इसमें। फर्दर फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज ए इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी। अब ए बी और बी ए सेम नहीं है, सेम होते तो हम इसको टू ए बी या टू बी ए लिख सकते थे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट।